हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ही होगे, तभी मेरा वीडियो देख रहे होगे। आज हम लोग गंगा का जल स्तर कितना बड़ा है वो देखेंगे। मैं और मेरे मित्र निकल गए हैं देखने के लिए, और हम लोग पहले पीपा पुल वहाँ जाके देखेंगे, उसके बाद NIT घाट जाएंगे, और उसके बाद फिर कंगन घाट जाके देखेंगे कि वहाँ का जल स्तर कितना बड़ा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग जुड़ रहे हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और हो सके तो लाइक भी कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कहाँ का कितना जल स्तर बढ़ा है। यहाँ पर देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है जो बख्तियारपुर निकल जाएगा डायरेक्ट, और वो सामने में देख सकते हो गांधी घाट, और उसी के बगल में पीपा पुल था। अब मुझे नहीं लगता है कि पीपा पुल वहाँ मौजूद होगा इतना जलस्तर बढ़ने के बाद। ये पानी बहुत नीचे था, अब देखिए यहाँ, अगर पटना में मुश्किल से आधा दिन भी पानी बढ़ जाए तो ये रास्ता जो है पूरा लबालब पानी से होगा। चलिए पीपा पुल पास जाके देखते हैं। पीपा पुल के नज़दीक हैं हम लोग, मुझे नहीं लगता है। ये देखिए पीपा पुल टूटा पड़ा है, बोले थे ना गंगा का जलस्तर जैसे ही बढ़ा है ये पीपा पुल हटक जाता है। ये देखिए पीपा पुल, अरे यहाँ तो रोड तक पानी आ गया है, तो ये पीपा पुल कहाँ से रहेगा। देखिए पीपा पुल का नज़ारा कैसे टूटा पड़ा है। ये पीपा पुल गाय घाट के नीचे में ही है। ये देखिए पीपा पुल तो आप लोगों को दिखा नहीं सकते हैं वहाँ पर जा करके, क्योंकि ये पीपा पुल टूटा पड़ा है, और यही रास्ता से हम लोग NIT घाट निकल जाते हैं। लेकिन अब हम लोग को रिटर्न जाना पड़ेगा इधर से, देख सकते हो। हर कोई, ये हमारा गांधी घाट, इसको NIT घाट भी बोलते हैं। यहाँ का नज़ारा देखो, यहाँ कैसे भरा हुआ है पानी। ये पूरा भर गया पानी से। आज तो वो साइड भी नहीं जा सकते हम लोग, क्योंकि सूस पहन के आया हुआ। ये देखो बहाव यहाँ का, पहले वाला वीडियो में हम लोग वो साइड गए थे, अब वो साइड नहीं जा सकते हैं। आप लोग यही दिखला देंगे कि गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। भीड़ देखो, संडे का दिन है, कितना लोग आए हुए हैं। पहले वाला वीडियो में देख सकते हो उस समय जलस्तर नहीं बढ़ा था, अभी का जलस्तर देखो। बवाल लग रहा है, एक दने तो जा नहीं सकते थे, और एक दने आया हुआ हूँ, तो नीचे देख लो कैसा है नज़ारा। पिछले वीडियो में देखे थे जो साइड में गए हुए थे हम लोग, तो वो साइड अभी आज जा नहीं सके क्योंकि वहाँ पानी पूरा भरा हुआ था, और आज आए हैं दूसरे साइड, तो यहाँ भी थोड़ा कम है, लेकिन इधर भी गंगा का जलस्तर बहुत ही उफान मार रहा है। हमको लगता है कि आधा दिन भी अगर पटना में पानी हो जाता है तो पूरा NIT घाट भी, घाट में भी जो रास्ता में हम लोग चल रहे हैं
वो भी डूब जाएगा, देख लो आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पानी में लोग चल रहे हैं। और हम लोग यहाँ से सीधे कंगन घाट की ओर जाएंगे और वहाँ का देखेंगे क्या नज़ारा है पानी का। आप लोग कुछ और यहाँ का देख लो सीन, देखो यहाँ से आगे हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि सूज पहन के आज आ गया हूँ मैं। यहाँ से पूरा भरा हुआ है पानी, लोग कैसे आ रहे हैं। अब आगे जाके हम दिखा नहीं सकते हैं इसीलिए अब हम लोग यहाँ से रिटर्न जाते हैं। अब कंगन घाट का देखते हैं कि वहाँ का जलस्तर कैसा है। यहाँ देखिए बोट लगा हुआ है, ये देखिए कंगन घाट का नजारा। पानी गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है, बस एक सीढ़ी ही छुटा हुआ है, बाकी बस सब भर गया है। ये देखिए जबकि पटना और पटना के आसपास उतना पानी भी नहीं बरसा है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी दे दिया गया है कि उछल कूद ज़्यादा ना करे कोई। चलिए सभी जगह का देख लिए आप लोग वीडियो कि गंगा का जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। अब यहीं करते हैं सेवा को समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे कि यही सब जगह में आकर के गंगा का स्तर फिर क्या है और क्या नहीं। आगे के वीडियो में जानकारी देते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।